हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को होली पूजन की विधि। तो होली हमें पूजन के लिए क्या क्या सामग्री रखनी है, तो वही आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमें क्या क्या सामग्री रखनी चाहिए होली पूजन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने ये पूजा की थाली लगा ली है, इसमें हमने सारा सामान रख लिया है पूजा सामग्री का। तो देखिए, इसमें हमने फूल माला रख ली है, और अगर आप फूल माला नहीं है तो फूल भी रख सकते हैं, और जो बालियां होती हैं या फिर गेहूं की बालियां, तो वो भी रख सकते हैं आप। जिसके यहाँ जैसे होता है आप उस तरीके से रख सकते हैं। और हमने दीपक ले लिया है, रोली, तेल, कलावा, सामग्री, और ये आटा हमने वहाँ पर स्वास्तिक बनाने के लिए रखा है। और इसमें हमने जल में थोड़ा सा दूध डालकर, कच्चा दूध वो रखा है, और गुड़ है इसमें। और गुड़ नहीं है तो आप बतासे ले सकते हैं, बतासे नहीं है तो आप कोई भी मीठी चीज़ रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ढक करके ये हमें पूजा के लिए, होली पूजन के लिए लेकर जाना है। और अपनी शादी की चुनरी आप चाहो तो ओढ़ सकते हैं। तो देखिए, हमारी ये होली है। चौराहे पर होली ज़्यादातर रखी जाती है, और अगर चौराहे पर जगह नहीं होती है तो अक्सर आपने देखा होगा जहाँ जगह ज़्यादा होती है होली वहाँ पर ही रखी जाती है। देखिए, हम होली पूजा शुरू करते हैं। अगर कच्चा है तो उस तरीके से आप पानी के जल के छींटे लगा सकते हैं, और अगर रोड है तो आप उसको हल्का सा पानी डाल करके धो के उसके बाद आप स्वास्तिक या आप इस तरीके से बना लेंगे। देखिए, स्वास्तिक बना लें आटे से, जो आप आटा लेकर के आए हैं। अगर आटा नहीं लेकर के आए हैं तो आप गुलाल हो तो गुलाल का भी बना सकते हैं। एक तरीके से हमें यहाँ पर पे चौक बनाना है। तो उसके बाद हल्दी, रोली, चावल चढ़ाकर इसको पूजेंगे पहले चौक को। तो उसके बाद देखिए, हमने जो हमारे यहाँ ये गोबर की जो गोलरी बनती है, अगर आपके पास गोलरी नहीं है तो आप उपले भी ले सकते हैं। उसके बाद ये गेहूं या जौ की बालियां, किसी किसी के यहाँ चने की बालियां जो होती हैं उससे भी पूजा होती है। तो उसके बाद हम ये दीपक जलाएंगे, और किसी किसी के यहाँ पे ठंडी होली पूजी जाती है, माचिस या फिर धूप बत्ती या दीपक नहीं जलाया जाता है। तो जैसे आप क्या होता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये दीपक और धूप जला दिया है। उसके बाद जो हम सामग्री लाए थे वो भी हम इसमें चढ़ा देंगे। किसी किसी के यहाँ पर होली वाले दिन व्रत भी रखा जाता है, और किसी किसी के यहाँ पे 4 बजे होली पूजती है शाम को। तो हमारे यहाँ तो सुबह मॉर्निंग में ही होली पूजती है, और किसी किसी के यहाँ पे तो पुए बनते हैं, पूड़ियाँ बनती हैं, और हमारे यहाँ इस तरीके से होली को पूजा जाता है। इस तरीके से जल के छींटे लगा देंगे, उसके बाद रोली से और हल्दी से इस पर छींटे लगाएंगे। इस तरीके से आप होली, जो आटा हमारा बचा हुआ है हमने स्वास्तिक बनाया था उससे, तो बाकी का आटा यहीं पर रख देंगे। और ये गुलाल है तो गुलाल भी इसमें होली को अर्पित करेंगे। और फूल माला, अगर आप फूल लाए हैं या फूल माला लाए हैं वो भी आप अर्पित कर दीजिए होली माँ को। तो देखिए, इस तरीके से आप पूजन कर सकते हैं होली का। और आप कच्चा कलावा या फिर आपके पास कच्चा सूत होता है उससे परिक्रमा लगानी होती है 5 या 7, और आप साथ में जल भी ले सकते हैं, जो आप जल लाए हैं उससे हमें परिक्रमा करनी होती है ठंडी होली की। तो इस तरीके से आप परिक्रमा लगाएं। उसके बाद जब घर आप आते हैं तो थोड़ा जल लोटे में बचा करके और घर की चौखट पर दोनों साइड पर डाल के उसके बाद स्वास्तिक से आप स्वास्तिक बनाएं, रोली से या फिर हल्दी से। इस तरीके से स्वास्तिक बनाना बहुत ही अच्छा रहता है। आप जब भी पूजा करके बाहर से आएँ तो घर के दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। उसके बाद जो हमारा कलावा बचा हुआ है, तो घर के जो हमारे सदस्य हैं, बच्चे हैं, तो उनके सब लोगों के हाथों में ये कलावा बांध दीजिएगा। ये कलावा हमारे घर के सभी सदस्यों की परेशानियों से रक्षा करता है। तो इस तरीके से आप सभी सदस्यों के हाथ में कलावा जरूर बांधें। भक्त प्रहलाद की जिस तरीके से रक्षा की थी, उसी प्रकार हमारे घर के सभी सदस्यों की रक्षा करेगा ये धागा। तो इस तरीके से आप बांध सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। तो ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।